अपनी पत्नी धर्म पत्नी को धोखा देने का अंजाम क्या हो सकता है? इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक सीमा हैदर की स्टोरी में रख रही थी, आज एक ऐसी ही स्टोरी सीमा हैदर से रिलेटेड आई है जिसने तहलका मचा दिया, क्योंकि काफी समय से इस मैटर को, सीमा हैदर को भगाने को लेके जो मुहिम चल रही हुई है उसके चक्कर में हम कोई भी यहाँ पे स्टोरी नहीं रख पा रहे थे। आज ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो इस तरीके के कर्म कांड करते हैं, अपनी पत्नी या अपने पति को धोखा देकर समाज में एक ऐसा मिसाल कायम करते हैं, उनको उनके कर्मों का सजा खुद मिल जाता है। आज आपसे एक रियल स्टोरी जो मेरे साथ आए हैं, जो कानूनन चीजों से जुड़े हैं, आपके सामने रख रही हूँ। इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद आप बिल्कुल यकीन करोगे कि अगर हम किसी को धोखा देते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे वो हमारी पत्नी है या वो किसी का पति है, अगर कोई भी जीवन साथी एक दूसरे के साथ धोखा करता है तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। एक महिला, एक पति जो बाहर जॉब करता था दिल्ली में, और गांव पहाड़ों के लोग होते, सीधे साधे होते, क्योंकि वहां पे इनकम का साधन नहीं होता, कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। व्यक्ति 8-9-10 हज़ार की नौकरी बाहर करता है, उसके बाद उसकी पत्नी बेचारी घर में खेतों में काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तराखंड में खेती बहुत है, और उसको करने के लिए, उसमें अनाज उगाने के लिए महिलाओं को बड़े कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, बड़े मेहनती होती है उत्तराखंड की महिलाएं। जैसे कि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, हालांकि मैं रही नहीं हूँ उतना, लेकिन फिर भी वहां पे जो हम चीजें उगाते हैं खेतों में, और जो घर का हमारा काम काज होता है, बड़ा स्ट्रगल होता है प्लान्स के मुताबिक। तो वो महिला अपने एक छोटी सी बच्ची थी, शादी के कुछ ही साल हुए थे, अपने घर में रहती थी, अपनी खेती करती थी, अपने सास ससुर देवर नंदू के साथ रहती थी, साथ ही साथ उसका पति बाहर कमाकर घर में भेजता था। कुछ दिन बीतते हैं ऐसे, तो उसके बाद उस महिला की जो उसके पति का किसी से संपर्क होता है, और वो लड़की से, वो लड़की उसकी भाभी की बहन होती रिश्ते में, तो उसकी भाभी की बहन होती है, और धीरे धीरे फोन वगैरह से उनका संपर्क होता है, तो पता चलता है उस पुरुष ने उस लड़की को, जो उसकी भाभी की बहन थी, अपने साथ दिल्ली में अपने रूम पे रख लिया, अपने कमरे पे रख लिया, और वो उसके साथ पत्नी के रूप में रह रही है। ठीक हुआ पहाड़ की सीधी शादी, उसकी पत्नी एक बच्ची भी साथ में हो गई, तो वो बेचारी, उसको पता ही नहीं उसका पति दूसरी महिला के साथ रह रहा है जो अनमैरिड लड़की थी और उससे बहुत कम उम्र की थी। ये चीजें चलती रही काफी समय तक, और पति का व्यवहार बदलता रहा। बीच बाद बाद में उसने अपनी पत्नी को घर में खर्चा भेजना भी बंद कर दिया और आना जाना भी बंद कर दिया। जब ये चीजें रही, घर वालों को भी समझ में आया कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की इतनी केयर करता था, बच्ची की केयर करता था, पत्नी की केयर करता था, अचानक से ये क्या हो गया कि उसने घर आना ही बंद कर दिया, बच्ची को भी देखना बंद कर दिया, पत्नी को भी देखना बंद कर दिया। पहाड़ों में इतनी फैसिलिटी नहीं होती, जो ये वाले कीपैड वाले फोन होते छोटे, वही पत्नी के पास था, फोन करती थी तो वो बोल देता था भैया मैं बिजी हूँ, अभी मुझे ऑफिस का काम है, आप डिस्टर्ब ना करो, तो वो फोन में भी बात नहीं करता। जब वो रूम पर जाता तो तब भी बात नहीं करता, क्योंकि दूसरी लड़की उसने रखी हुई थी। फिर एक समय ऐसा आता है, पत्नी वहां पे दिल्ली में पहुंच जाती बच्ची को लेके, और जब पहुंचती है तो पता चलता ओपनली पति के सामने में दूसरी महिला उसके साथ उसके रूम पे रह रही है। उसको देखकर उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती। उत्तराखंड की सीधी सादी महिलाएं ये सब नहीं जानती हैं कि ऐसा भी होता है, और बाहर रहकर ऐसी हवा लग जाती है लोगों को, वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, टेंशन में रहती है। वो माहौल देखने के बाद वो अपने गांव वापस आ जाती है। आने के बाद कई बार जद्दोजहद चलता है, लेकिन वो रोती है, धोती है, अपने कर्मों को कोसती है कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो धोखा भी नहीं दिया, मैं घर में इसके परिवार की सेवा कर रही थी, इसका घर संभाल रही थी, इसके बदले में इसने दूसरी लड़की को अपने साथ रख लिया। तो होता है कि फिर उस महिला को, कहते हैं ना जब अपने पे बीतती है तो पावर अपने आप आ जाती है, अचानक से उसके अंदर वो शक्ति आती है, उसके अंदर वो समझ जागती है, उसको लगता है मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, मेरी एक बच्ची भी है, मैं इसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। फाइनली वो उस अपने पति पर केस कर देती है, और साथ में पति की जिद रहती है कि मुझे इस लड़की को रखना ही है, इससे मुझे शादी करनी है, जबकि वो खुद शादीशुदा एक बच्ची का बाप है। तो महिला इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, वो कानूनन लड़ाई अपनी लड़ती है और कोर्ट में केस डाल देती है। अब जब कोर्ट में केस डालती है, जो वो लड़की उसके साथ रह रही थी
वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ रहती थी, उसके माता पिता नहीं थे। ज्यादातर केसों में यही होता है, जब माता पिता नहीं होते हैं तो लड़कियों की जो किशोरावस्था की उम्र होती है वो भटकने की होती है, वो गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं, वो एक शादीशुदा मर्द के चक्कर में पड़ जाती है और अपनी जिंदगी को भी मुश्किल में डाल देती है। जब वहां रहते रहते उसकी पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता, वो केस कर देती। उसी की जानने वाली एक महिला मुझे मिली, उनने बोला, जब मैंने उनसे बोला ऐसी एक स्टोरी है तो उनने बोला नहीं, वो महिला तो मेरे पास आती थी क्योंकि मेरे ही गांव की थी और रोज रोती धोती थी जब भी मिलती थी, दोनों का मायका एक साथ था और जब भी मैं मायके जाती थी वो बेचारी बड़ी बुरी तरीके से रोती थी। तब पता चला कि मुझे कि ये रियल है और उसके बाद मुझे जरूरी लगा आप लोग उसे स्टोरी में शेयर करूं। तो उसके बाद वो महिला जब केस करती है और साथ में उससे ये भी बोलती, मैं तब तक तुझे माफ नहीं करूंगी जब तक तू मेरे घुटने मेरे पैरों में अपना सर रखकर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो भैया ठीक है, कानूनी दंडक कस जाता है, पति बहुत समय तक तो उसे पटाने की कोशिश करता है कि पत्नी है मान जाएगी, दूसरी औरत को भी साथ में रखने के लिए तैयार होगी। तो कोई भी महिला किसी भी चीज को बंटवारा कर सकती, लेकिन अपने पति का कोई भी महिला बंटवारा नहीं कर सकती। फाइनली कानूनी लड़ाई चलती है, कोर्ट में जिरह होती है, जज साहब के आमने सामने वकील जिरह करते हैं, उससे पूछा जाता है उसका इनकम का साधन पूछा जाता है। उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो भैया इस महिला इस लड़की को छोड़कर इस पत्नी से माफी मांगकर तुम अपने घर वापस आ जाओ, या दूसरा ऑप्शन पत्नी ने कहा ना तो मुझे नौकरी चाहिए, ना इसका पैसा चाहिए, ना इसका एक रुपया चाहिए, उसके एवज में मुझे इसे जेल चाहिए, मैं चाहती हूँ ये दोनों लड़की और मेरा हस्बैंड दोनों जेल काटे, जिंदगी भर कारावास की सजा काटे, क्योंकि मेरी लाइफ तो इसने बर्बाद कर दी, साथ में मेरी बच्ची जिसका भी भविष्य शुरू भी नहीं हुआ, लगभग एक साल की भी वो बच्ची नहीं हुई थी, उसका बाप जो गलत रास्ते पे चला गया, उसके अलावा सर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं सल्यूट करती हूँ उस बहन को, उसके फैसले का मैं सम्मान करती हूँ दिल से। मैं मंजू विश्वकर्मा एक समाज सेवी हूँ और हर औरत को यही एक रास्ता दिखाती हूँ, जब आपके सामने सिचुएशन आता है जब पति पत्नी का ना, तो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करें, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और लाइफ पार्टनर अगर धोखा करे तो वो औरत टूट जाती। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं जिसमें महिलाएं गवर्नमेंट सर्विस में अगर पति है तो कॉम्प्रोमाइज कर लेती पैसे के लिए, बिल्कुल भी नहीं, अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करें। अगर आप पैसे के लिए आज बिक जाती हैं या आपको लगता है वो व्यक्ति हमें कमा के दे रहा है, उसकी कमाई से हम कॉम्प्रोमाइज कर ले, आप ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं उसको जिसके साथ वो खुश रहना चाहता आप छोड़ देती उसके बदले में आप पैसा ले लेती हैं, तो आप एक बिकाऊ हैं। पैसा तो आप फिर भी कमा सकती हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप ज्यादा नहीं कम अपने भरण पोषण अपने मान सम्मान के लिए कमा सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई जो आप खुद के लिए लड़ती हैं इसके लिए आप जिंदगी भर सर उठा के जिएंगे। मैं सल्यूट करती हूँ उस बहन को। आखिर में फैसला आया, कोर्ट ने अपना फैसला दिया, महिला मानी नहीं, उनने कहा मेरे पास दो ही ऑप्शन है, आप या तो पूरा लिखित में मुझे दीजिए कि आज के बाद इस लड़की से अगर किसी भी तरीके का आपका संपर्क रहता है तो मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, इन्हें जेल में डाल दिया जाए, उसके बदले दोनों को सजा दी जाए। अगर ये व्यक्ति पूरी तरीके से इसे छोड़ने को तैयार है, उसके बाद मैं कोर्ट का तो सम्मान करूंगी, इस फैसले को मानूंगी, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत तरीके से इस व्यक्ति को तब मानूंगी जब तक इसको इसकी गलतियों की तिल तिल कर सजा नहीं दूं। तो फाइनली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, आदमी को लड़की छोड़नी पड़ी, लिखित में छोड़नी पड़ी, कानूनी तौर पे छोड़नी पड़ी, उसके बाद दोनों पत्नी पत्नी घर आए, उसके बाद पत्नी ने अपनी शर्त रखी, उसने कहा ठीक है इतने समय तुम उस लड़की के साथ रहो, अब बारी मेरी है, मैं तुम्हें कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगी, जिंदगी में नहीं दूंगी, क्योंकि तुम उस गटर में मुंह मार के आए हो जो बिना मेरी मर्जी के, क्योंकि हमने जब शादी की थी हमारे घर वालों की मर्जी से हुई थी, उत्तराखंड में लव मैरिज बहुत कम होता है, अब तो होने भी लगा, पहले बिल्कुल भी नहीं होता था, तुमने मेरे घर वालों की मर्जी से शादी करी थी, मेरे घर वाले सहमत थे, तुम्हारे घर वाले सहमत थे, लेकिन वहां पे तुमने अपनी मर्जी करी, यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। बेशक कोर्ट से हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, फैसला हो चुका है, लेकिन व्यक्तिगत मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी भी नहीं दूंगी। उस महिला ने कई सालों तक भी उसको पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पति आता रहा, गड़गड़ाता रहा, रोते रहा, और वो
उसको कभी भी उसने वो दर्जा नहीं दिया कई सालों तक। अब का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, अब सुनाई में आता है कि दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया, दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं। और अब उस लड़की जो उस बंदे के साथ रहती थी, उसकी शादी जिस जगह हुई है, वो व्यक्ति नंबर एक का शराबी। कहते ना कर्मों का फल लौट के आता, अगर हम किसी को धोखा देते तो बदले में हमें भी धोखा मिलता है। अनाथ मतलब उस वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी, माता पिता थे नहीं, तो उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से की गई जो उसी की तरह कैरेक्टरलेस था। क्योंकि ये बात तो गांव में फैल जाती है ना कि भैया वो ऐसा था, वो ऐसी थी, उसके साथ ऐसे थे, तो ये चीज़ें छुपती नहीं है। तो फिर फाइनली उस व्यक्ति उसकी शादी भी रिश्तेदारों द्वारा की गई, उन्हें भी नहीं पता था भैया ऐसा था। अब उसका पति नंबर एक का शराबी, नंबर एक का सक्की, पत्नी को हिलने नहीं देना, पत्नी को किसी से बात नहीं करने देना, पत्नी को शराब पीकर मारना पीटना तमाम तरीके से। अब कहते ना कर्मा लौट के आता है, जिसका पति दूसरी औरत से फंसाता वो अपनी जिंदगी में खुश है, उसकी बच्ची भी अब बड़ी हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा। लेकिन जिस औरत ने उसका घर तोड़ा था, आज उसकी जिंदगी खुद नर्क से भी बदतर बन गई। वो अपने पति की मर्जी के बिना कहीं जा नहीं सकती, अगर दरवाजे से बाहर जाती है तो पति फोन वो हाथ नहीं लगा सकती है, क्योंकि हो सकता है उसका कैरेक्टर का पति को पता चल गया और वो उस चीज को मुद्दा बनाए। कहते हैं अगर आप किसी के लिए कांटे बोओगे तो आपको कभी भी फूल नहीं मिलेंगे, बदले में आपको दुगने कांटे मिलेंगे। जो हम बोते हैं ना वो हमें दुगना मिलता है, एक बीज बोते हैं तो 10 पेड़ बनकर हमको मिलते हैं। वही चीज कर्मा भी लौट कर आता है, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो डबल हमें उससे 10 गुना 100 गुना हमको वापस मिलता है। ये हमारे मेहनत का फल होता है। अगर हम खेत में कांटे बोएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे, फूल बोएंगे तो फूल ही मिलेंगे। इसलिए किसी की जिंदगी में गलत करने से पहले, किसी को परेशान करने से पहले, किसी की दुनिया उजाड़ने से पहले एक बार जरूर सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो, भगवान ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है, इस शक्ति का उपयोग करें, किसके साथ गलत ना करें। हो सके तो किसी के लिए भला कर दे, नहीं हो सके तो भैया कुछ भी ना करें, दूर से ही माफी मांग ले, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसका इस्तेमाल अच्छी तरह करें। औरत का ये चरित्र बहुत लोगों को ले डूबता है, ये एक एग्जाम्पल है, महाभारत रामायण इस चीज की गवाह है। जब भी इतिहास में इस तरीके के कारनामे हुए तो महायुद्ध हुए, इस महायुद्ध से बचे, जिंदगी को सुकून से जिए, जीने दें लोगों को भी। आज दिल से मुझे लगा कि मुझे उसकी स्टोरी रखनी चाहिए। काफी समय से सीमा हैदर मामले के चक्कर में हम कुछ भी नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन आज इस औरत की स्टोरी ने काफी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। उम्मीद करती हूँ जो लोग इस तरीके की सिचुएशन में घुसे हैं, बहने हैं, तो अपने लिए स्टेम लें, अपने लिए लड़ाई लड़ें, फाइट करें, जिंदगी से हारे नहीं टूटे नहीं, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, इसको बहुत अच्छे से आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं और स्ट्रगल करें, हर मोड़ पर लड़ें, खुद से फाइट करें। जिंदगी में आपको हार नहीं मारना, आपको हर हाल में जीना है, उठना है, क्योंकि हम कमजोर होते हैं अपनी वजह से। जब तक हम मान लेते हैं दिल से हम कमजोर हैं, हम तब तक कमजोर होते हैं। जब हम मान लेते हैं हम कमजोर नहीं हैं तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है हमें तोड़ दे, ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों ये कहानी रियल है, किसी की मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारा वमंडर हो जाता है नाम लेने से। अगर किसी के भी जीवन में ऐसा मोड़ है और वो आप रखना चाहते हो अपने चैनल के माध्यम से, मैं जरूर रखूंगी ताकि समाज को प्रेरणा मिल सके, ऐसी चीजों पे रोक लग सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज में एक नई प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।